वेलकम टू एकेडमिक टूरिज्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग ने क्या जाना था? वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विद अ इंसिडेंट। एक इंसिडेंट के साथ हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बस्टाइल, तो आप लोगों को याद ही होगा। तो वो एक इंसिडेंट था, तो वो इंसिडेंट तक हम लोग पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इसके लिए जो एक स्टोरी लाइन जो कहते हैं कि जो मेन स्टोरी जो शुरू हो रही है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो इनिशिएट पार्ट है, वो है यहां से। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो जो लास्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, वो एक वो काइंड ऑफ अ फ्लैशबैक था, एक इंसिडेंट था जो हुआ था इन बिटवीन दिस। ठीक है, तो उसमें हम लोग बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सबसे पहले तो लेट 18th सेंचुरी, इस जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज में कंफ्यूजन होता है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, ये क्या है? तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? तो 18th सेंचुरी का मतलब है कि द ईयर फ्रॉम, अभी लेट को हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें, द ईयर फ्रॉम 1701 to 1800, this is said to be 18th century, okay? क्योंकि अगर ये यहां पर अगर आप लोगों को लगेगा कि ये 18th century नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, 1801 to 1900, this is said to be 18th century, no, this is 19th century, clear? जैसे अगर हम 1 सेंचुरी की बात करें, फर्स्ट सेंचुरी, तो फर्स्ट सेंचुरी कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होता है फ्रॉम 00 टू 100, दिस इज सेड टू बी फर्स्ट सेंचुरी। तो ये पूरा फर्स्ट सेंचुरी है, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट 101 टू 200 पहुंचेंगे, दिस इज सेड टू बी द सेकेंड सेंचुरी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को जो है आप लोग क्लियर रखिएगा कि यहाँ कंफ्यूजन ना होने पाए। तो ये जो पॉइंट है, ये आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि सेंचुरी जो है वो कहाँ से। अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी दैट मीन्स कि अगर हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करते, दैट मीन्स की हम लोग बात करते हैं 1750 to 1800, this is said to be the half of the 18th century। हम लोग late 18th century की बात कर रहे हैं, तो that means कि last की 20 years को हम लोग ले सकते हैं, last को 25 years को हम लोग ले सकते हैं। तो that means the year from 1775 to 1800, 1775 to 1800 के पीरियड को हम लोग लेट 18th सेंचुरी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ बात हो रही है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, दैट मींस कि 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी के लास्ट लास्ट में, कि या फिर उस समय जो है फ्रांस का जो सोसाइटी था, फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कैसा होता था। ठीक है, तो क्या सोसाइटी ऐसा ही होता था? नो, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस का सोसाइटी कैसा होता था। तो लेट मी टेल यू, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट। स्टेट जो है आप एक पार्ट के तौर पे जो आप उसको समझ सकते हैं कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट्स मीन्स की ये कोई चीज तो दिखने वाली चीज तो थी नहीं। ठीक है, सोसाइटी जैसे कि अगर हम लोग अपने अपनी कंट्री में बात कर ले, अभी तो ऐसा नहीं है, बट बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसी चीजें थी कि कंट्री वॉज डिवाइडेड, लोग जो है SC ST थे, OBCs थे, तो ये लोग जो है उनसे डिस्क्रिमिनेट करते थे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम लोग कहते थे कि सोसाइटी जो है वो अपर क्लास और लोअर क्लास में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो इन द सेम वे इन फ्रांस द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, सेकंड स्टेट में कौन आते थे और थर्ड स्टेट में कौन आते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन भी अक्सर इस टॉपिक से जरूर से आते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेट किनका था? क्लर्जी। अब ये क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी चर्च समझते हैं। ठीक है, चर्च में कौन होते हैं? चर्च में होते हैं क्लर्जी होते हैं। ठीक है, फादर हो गए क्लर्जी। ठीक है, तो ये जो थे
एट दैट टाइम अगर हम लोग बात करें यूरोपियन के यूरोप में जो है वो क्रिश्चियन सोसाइटी होती है, तो वहां पर चर्च जो होता है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में। और पहले तो ये और बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब मोनार्की सिस्टम थे, किंग वॉज देयर, तो वहां जो चर्च जो थे, चर्च के क्लर्जी जो थे, उनकी इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा होती थी। जैसे अगर हम लोग रिलेट कर ले इंडिया से, तो इंडिया में जब राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा होते थे तो वो क्या कहते हैं, वो जो पूजा पाठ करवाते पुरोहित, यस मे बी अ गुड वर्ड, तो पुरोहित की बातें वो लोग बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले, और अगर हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो इन दैट सोसाइटी क्लर्जी जो थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे, ठीक है। फिलहाल यही जानिए कि फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, चर्च, ठीक है। सेकेंड स्टेट नोबल्स। ये नोबल्स कौन है? नोबल्स जो सोसाइटी, जो किंग थे, किंग की फैमिलीज थी, किंग के रिलेटिव थे, they are said to be nobles, इनको nobles कहा जाता था। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी चर्च, सेकेंड स्टेट nobles, nobles king relatives, ठीक है, उनके जो बच्चे जो भी है, तो वो nobles हो गए। थर्ड स्टेट में कौन आता था? रेस्ट एवरीवन केम इन द थर्ड स्टेट। उनमें हम लोग कह सकते हैं बिग बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स जो किंग के अंडर काम करते थे वो, लॉयर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, मतलब बाकी जितने लोग थे थोड़े वो रिच भी। अगर हम लोग बिग बिजनेसमैन की बात करें तो दे डेफिनेटली वेर रिच, ठीक है, वो लोग रिच होते थे, तो पुअर पीजेंट्स भी उसमें थे, पुअर आर्टिजन्स भी उसमें थे, ठीक है, दे ऑल कम इन अ थर्ड स्टेट। तो ये क्लियर हो गया कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी चर्च, सेकेंड स्टेट नोबल किंग, ठीक है, एंड देयर रिलेटिव्स, एंड थर्ड स्टेट रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड था। तो तीन पार्ट में डिवाइडेड था, या इसमें और भी कुछ चीजें जो है थी, डिविजन थी। अगर इंडिया की बात कर ले, तो अगर हम लोग बात कर रहे थे अपर क्लास लोअर क्लास की, तो ऑल द प्रिविलेज वाज गिवन टू द अपर क्लास, बहुत छुआछूत जो है वो माना जाता था। लोअर क्लास पीपल हैव अ डिफरेंट, उनके पास वो जो ट्यूबवेल यूज करते थे वो डिफरेंट होता था, वो लोग एक ही वेल से पानी नहीं ले सकते थे, तो ये सारी चीजें थी। वो लोग अपर क्लास के लोगों के साथ जो लोअर क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, जो टीचर्स हुआ करते थे, जो अपर क्लास के टीचर्स होते थे वो लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। दैट वॉज द सिनेरियो बिफोर इंडिपेंडेंस। अब तो बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है, सोसाइटी इज कम्प्लीटली चेंज। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांस की सोसाइटी की, तो सोसाइटी वॉज डिफरेंट, वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या था, ठीक है, सिर्फ थ्री स्टेट तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ और जरूर रहा होगा। यस, द पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट दे गॉट सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ। दैट मीन्स कि अगर किन्हीं का जन्म क्लर्जी के घर में हो गया या फिर नोबल्स के घर में हो गया, तो दे गेट अ स्पेशल प्रिविलेज। तो व्हाट इज दिस प्रिविलेज मीनिंग? मीनिंग क्या है प्रिविलेज? प्रिविलेज का मतलब होता है एडवांटेज, ठीक है, कुछ फायदे जो है उनको मिलते थे बाय बर्थ, मतलब जन्म हो गया उस घर में, वेदर मेरे में कोई क्वालिटी हो या ना हो, बट मेरा जो जन्म हो गया एंड आई विल हैव दैट प्रिविलेज, वो एडवांटेज मुझे मिलना शुरू हो गया। तो व्हाट वॉज द एडवांटेज? तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर व्हाट वॉज द एडवांटेज which was given to clergy and noble। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं clergy को। तो clergy को क्या एडवांटेज, क्या प्रिविलेज मिलते थे by birth? तो clergy get taxes। सबसे पहला जो इनको प्रिविलेज मिला हुआ था, एडवांटेज मिला हुआ था, that was exemption from paying the taxes। That means कि the people of first state and second state don't have टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। इनको, इन लोगों को, इन जो इनके फैमिली होते थे या ये लोग जो होते थे फर्स्ट पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, इनको किसी भी तरह के टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ठीक है। नॉट सिर्फ इतना ही नहीं था, दे हैव सम मोर एडवांटेज, इनसे भी ज्यादा इनको कुछ और भी, मींस देना तो है नहीं लेकिन कुछ लेना है, तो वो क्या था? तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो क्लर्जी उनको जो प्रिविलेज था बाय बर्थ, दे डोंट नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है, पे तो नहीं करते थे, बट दे टेक टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स। पीजेंट्स से वो एक तरह का टैक्स कलेक्ट करते थे, दैट मींस पीजेंट्स को कुछ जो है टैक्स देना पड़ता था, किनको? चर्च को देना पड़ता था, एंड दैट टैक्स इज सेड टू बी टीथ्स। उस तरह के टैक्स को क्या कहते थे? टीथ्स कहते थे। क्लियर है? इस टर्म को जो है बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, चर्च हैव एन एडवांटेज। नॉट नेक्स्ट, नोबल्स के क्या एडवांटेज थे? नोबल्स को भी सेम प्रिविलेज बाय बर्थ, नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, साथ ही साथ दे इंजॉय
फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है, तो नोबल्स जो होते थे, किंग होते थे या उनके रिलेटिव्स होते थे, दे यूज्ड टू हैव अ लॉट्स ऑफ लैंड, उनके पास लैंड बहुत होते थे। ठीक है, अब लैंड होगी तो उसमें फार्मिंग होगी, उनको पीजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग जो है वो अपने लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे देते थे कि इसमें काम करो, और उनसे जो है वो पैसे लेते थे। ठीक है, नॉट ओनली दैट, पीपल यूज टू वर्क इन देयर लैंड, उनके लैंड में काम करते थे, साथ ही साथ रोड्स, बिल्डिंग्स ये सब बनाने में, मतलब द पीजेंट्स यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एंड दिस सर्विसेज जो ये सारी चीजें हैं, दिस आर सेड टू बी फ्यूडल प्रिविलेज, दैट मींस कि ये प्रिविलेज को फ्यूडल प्रिविलेज कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो दैट मींस कि ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट हैव अ लॉट्स ऑफ प्रिविलेज, बट व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट को भी कोई प्रिविलेज था? नो, नॉट एट ऑल, थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेज नहीं था, उल्टा इनके ऊपर बर्डन था। व्हाट वॉज द बर्डन? थर्ड स्टेट हैव ऑल द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस, पूरा का पूरा जो टैक्स पे करने का बर्डन था वो था थर्ड स्टेट के ऊपर। क्लियर? तो ये और ये जो टैक्सेस जो थे, कुछ डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पे करते थे। तो डायरेक्ट टैक्स जो पे करते थे, दैट इज सेड टू बी चले, तो चले जो है एक ऐसा टैक्स था जो दे यूज टू पे टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किन की थी? किंग वॉज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को, जो स्टेट की अगर हम बात करते, स्टेट को वो पे करते थे, तो स्टेट को जो टैक्स पे करते थे, दैट इज सेड टू बी चले, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दैट मीन्स कि उनको डायरेक्टली जो है ये टैक्स पे करना पड़ता था टुवर्ड द गवर्नमेंट, टुवर्ड द स्टेट। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे, ऑन द एवरीडे आर्टिकल्स, एवरीडे कंजम्पशन की चीजें जो होती थी, एवरीडे कमोडिटीज की हमें जरूरत पड़ती है, लाइक देयर वाज अ साल्ट, टोबैको, जो वो लोग हर दिन यूज करते थे, उसे भी खरीदने में उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ क्लियर हो गया कि द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट, फर्स्ट स्टेट चर्च क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबल्स किंग द रिलेटिव, थर्ड स्टेट रेस्ट ऑफ देम, एंड द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट इंजॉय प्रिविलेजेस बाय पर्ल exemption from taxes, and even they get some, jo nobles the they get a feudal privilege, or jo church the they get taxes from the peasant called tithes. Clear hai yahan tak? Okay, now let me tell you about the people condition of the third state. Third state ke condition ke bare mein baat karte hain. 90% of the population in France was of peasants. 90% log jo the wo kya the? Peasants the. तो क्या पीजेंट्स के पास अपने लैंड हुआ करते थे? नो, वेरी फ्यू ऑफ देम हैव देयर ओन लैंड, दैट मींस के रेस्ट ऑफ पीजेंट्स जरूर थे, पीजेंट्स जरूर थे, लेकिन वो लोग दूसरे के यहाँ काम करते होंगे, तो डेफिनेटली कहाँ काम करते होंगे? क्लर्जी या फिर नोबल्स। ठीक है, तो ये दैट वॉज द कंडीशन। नॉट ओनली दैट, तो लैंड किन के पास थे? 60% ऑफ द लैंड, जो 60% फ्रांस में जो 60% लैंड था, दैट वॉज ऑफ क्लर्जी या नोबल्स या फिर बिग बिजनेसमैन या जो जो रिच पीपल थे ऑफ द थर्ड स्टेट, उनके पास था। दैट मीन्स 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स का था, लेकिन 60% ऑफ लैंड बिलोंग टू फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द रिचर सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट। दैट वॉज द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। तो ये कंडीशन था। नाउ एक पॉइंट मैंने आपको बताना, मैं आपको बताना भूल गई, ओल्ड रिजिम, ये टर्म जो है थोड़ा सा जरूर से ध्यान में रखिएगा, ओल्ड रिजिम, this is a term. So what does it mean? The society and the institution of France before 1789 ke pehle jo France ki society ki jo institution tha usko, uske liye ek term use kiya jata hai, that is said to be old regime. Clear hai? I think ye France society ab aapko clear ho gaya hoga. एक बात आप जरूर देखेंगे, व्हेन यू रीड आउट दैट टॉपिक, तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग में जो है आपको किंग के बारे में बताया गया है, लेकिन मुझे लगा कि ये आपको पहले समझना चाहिए, देन दैट्स व्हाई आई हैव टॉट यू दिस वन। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको वो वाले पार्ट को जो समझाऊंगी, वो किंग लुईस जो है, किंग जो थे उनके बारे में बताऊंगी। तो आई थिंक दिस वन मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको इसमें बताए हैं, तो यू कैन यूज इट एज अ क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक ओल्ड रिजिम। चलो ठीक है, तो द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, डिफाइन द टर्म ओल्ड रिजिम। चले
ये वन मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो लॉन्ग जो क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आते ही हैं, यू कैन से डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस इन द ओल्ड रेजिम या बिफोर 1789, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। तो उसके पॉइंट्स के टॉपिक जो है वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको होगा, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा थ्री स्टेट में क्या क्या थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपका हो सकता है, प्रिविलेजेस ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट। प्रिविलेज फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को जो क्या प्रिविलेज मिला था, तो इस टॉपिक में आप सब टॉपिक भी बना सकते हैं। दैट मीन्स प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड प्रिविलेज ऑफ सेकेंड स्टेट, दैट इज नोबल। तो इसमें आप सब ग्रुप बना दीजिएगा, तो आपका उसमें भी सेकेंड पॉइंट में दो और पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए। एंड द थर्ड पॉइंट, द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट की कंडीशन क्या थे, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि दे नीड टू पे द ऑल ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स वाज ऑन द थर्ड स्टेट। और उसमें भी आप दो सब ग्रुप बना सकते हैं, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, द अनदर वन वाज एक अनदर जो है बना सकते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स का एक अच्छा सा आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन आई थिंक दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक का, लेकिन फर्स्ट पार्ट का, दैट इज ऑफ किंग, ठीक है। तो यू जस्ट प्रिपेयर दिस आंसर। ओके, देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।